हेलो गाइस और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं यार सैमसंग और एएमडी के कोलैबोरेशन के ऊपर और उनके न्यू चिपसेट के ऊपर जो एक मोबाइल चिपसेट होने वाला है जो एएमडी और सैमसंग मिलकर बनाने वाले हैं। देखो हमने पास्ट में कुछ कोलैबोरेशंस देखे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमने कोलैबोरेशंस नहीं देखे, बट उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। बट अगर तुम मुझसे पूछोगे कि यार इस कोलैबोरेशन के तेरे क्या थॉट्स हैं, आई एम वेरी पॉजिटिव, सो लेट्स गो। और वीडियो आगे बढ़ने से पहले ना यार सब्सक्राइब कर लो, तुम सब करते वरते हो नहीं, दिसंबर से पहले मुझे 1000 सब्स पूरे करने हैं, मैं पहली बता रहा हूँ, ठीक है? तो कर दो सब्सक्राइब, और नहीं किया ना सब्सक्राइब तो तुम्हें पता ही है यार। देखो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में प्रोसेसर मेकिंग यार बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रही है और डे बाई डे प्रोसेसर्स और भी पावरफुल हो रहे हैं और भी गेमिंग परफॉर्मेंस उसकी बढ़ रही है और भी हीटिंग बढ़ रही है। बट यार तुम्हें पता ही है हमारा जो सैमसंग है यार वो खुद के प्रोसेसर्स बनाता था, तुम्हें पता ही है एक्सिनोस नाम से, और सबसे बेकार प्रोसेसर्स थे वो। देखो मानता हूँ मैं कि वो परफॉर्मेंस अच्छा देते थे बट इन नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब ऐसा है, मतलब तुम ऐसा सोचो कि उनके पास पावर बहुत है बट स्टेमिना कम है। अबे यार क्या एग्जांपल बोल दिया यार मैंने, Stop it. Get some help. ठीक है, देखो अडल्ट जोक नहीं मारा जाएगा यहाँ इस चैनल पे, एक फैमिली फ्रेंडली शो है, शो मतलब क्या वीडियो है, तो लाइक कर दो फैमिली फ्रेंडली शो। तो बैक टू टॉपिक, तो यार AMD यार पार्टनरशिप कर रहा है सैमसंग के साथ फॉर शेयरिंग देयर RDNA2 टेक्नोलॉजी। अब देखो यार तुम्हें पता ही है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्वालकॉम और मीडियाटेक ही राज कर रहा है, मतलब इन्हीं दो के प्रोसेस है जो क्रेजी चल रहे हैं। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सिनोस नहीं चल रहे हैं, बट लोग नहीं पसंद करते हैं, मैं खुद पसंद नहीं करता हूँ भाई। मतलब मुझे पता नहीं कौन सा एक्सिनोस, मुझे याद नहीं है, मुझे एक फ़ोन पकड़ाया गया था, वो फ़ोन इतना ओवर हीट होता था, सैमसंग का एम सीरीज में कुछ था वो फ़ोन, माई वर्स्ट नाइटमेयर। बट यार अभी जो सैमसंग प्रोसेसर बनाने वाला है बाय कोलैबोरेशन ऑफ AMD, वो होने वाले हैं बहुत ही क्रेजी। कुछ स्कोर्स रिलीज हुए हैं और मैं मजाक नहीं करूँगा। देखो सबसे पहले इन्होंने सारे प्रोसेसर्स को बीट आउट कर दिया है, चाहे वो स्नैपड्रैगन का 888 हो, अभी तो 888 प्लस आया था आई थिंक सो, हाँ 888 प्लस को भी बीट कर चुका है, और हमारे प्यारे महंगे एप्पल के बायोनिक चिप A14 को भी हरा चुके हैं। हाँ भाई सही सुना, चाहे बात करूँ ग्राफिक्स के मामले में या चाहे बात करूँ CPU परफॉर्मेंस के मामले में, दोनों में यार बीट कर दिया गया है A14 को और स्नैपड्रैगन के 888 प्लस को। ये मैं मजाक नहीं करूंगा, स्नैपड्रैगन 888 प्लस को मतलब रिलीज क्यों किया गया, मैं लिटिल ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ मुझे पता है यार, बट सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी भाई, मतलब मजाक नहीं करूंगा, 888 प्लस में कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा, लिटरली 0.1 गीगाहर्ट्ज़ बढ़ा दिया गया और भाई उसको नए नाम से रिलीज कर दिया गया। What the fuck? भाई पहले के प्लस वाले कितने अच्छे लगते थे यार, मतलब पहले शुरुआत में जब आया था स्नैपड्रैगन 855 प्लस, वो यार एक ही ब्रांड के लिए पहली बार, वो सबसे पहले यार एक ही ब्रांड के लिए वो बना था जो है ROG के लिए, और वो बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस देता था एज कम्पेयर टू 855। तो 855 प्लस और 855 में काफ़ी डिफरेंस होता था, बट अभी के मामले में देखा जाए तो डिफरेंस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल वाला ही है 888 वही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और सीरियसली मैं लाइफ में पहली बार क्वालकॉम से डिसअपॉइंट हुआ हूँ उनके सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे बड़े चिपसेट्स के ऊपर, मीन्स सबसे ज़्यादा महंगे और सबसे ज़्यादा प्रीमियम चिपसेट्स के ऊपर, क्योंकि यार मैंने 888 यूज़ किया है, मेरे पास वन प्लस था और मतलब वन प्लस मेरे दोस्त के पास था, मैंने ऐसे चेक कर रहा था, तो मैंने गेम्स खेले यार और हीटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा ब्रांड ले लो 888 हीटिंग इशू देगा आपको। तो मैं आपको काइंडली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 8 सीरीज के प्रोसेसर यूज़ करना चाहते हो, 5G तुम्हें चाहिए, तो मैं तुम्हें स्नैपड्रैगन 870 ज़्यादा सजेस्ट करूँगा एज़ कम्पेयर टू 888 या 888 प्लस, क्योंकि लिटरली कोई भी कूलिंग वेरिएंट मतलब कोई भी कूलिंग टेक्निक यार मुझे नहीं लगता 888 को उतना ठंडा रख पाती है। मुझे 870 काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है यार वो काफ़ी स्टेबल रहती है, मीन्स ऐसा है कि पावर भी ज़्यादा है और स्टेमिना भी ज़्यादा है। भाई फिर से जोक मार दिया भाई, तुम चैनल अनसब्सक्राइब कर दोगे भाई, जोक्स लिमिटर लगाने पड़ेंगे मुझे।
क्यों नहीं। अब बात करूं यार ये सैमसंग के चिपसेट के ऊपर, तो यार देखो जो परफॉर्मेंस निकलने वाली है, मैं अभी कुछ कुछ अभी तुम्हें तो थोड़ी देर में तुम्हें परफॉर्मेंस उसके दिखाने वाला हूँ, जो स्कोर्स हैं वो सब दिखाने वाला हूँ, जिससे तुम खुद ही डिफरेंशिएट कर सकते हो यार कि वो A14 से कितना ज़्यादा पावरफुल है या स्नैपड्रैगन 888 से या 888 प्लस से कितना ज़्यादा पावरफुल है। बट यार बात करते हैं कोलैबोरेशन के ऊपर, बात करते हैं पार्टनरशिप के ऊपर, तो देखो यार हमारा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अब फिर से मुझे वन प्लस का नाम लेना पड़ेगा। आई लाइक वन प्लस स्मार्टफोन्स, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें स्मार्टफोन का 888 का एग्जांपल भी मैंने वन प्लस तुम्हें दिया था, तो तुम समझ ही सकते हो आई लाइक वन प्लस यार। उनके ऑक्सीजन ओएस मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका जो क्लीन ऑपरेटिंग मतलब क्लीन पूरा ओएस होता है वो मुझे बहुत पसंद है, उनके अपडेट्स मुझे बहुत पसंद है। चल झूठा। बट यार वन प्लस सर आपने हैसल ब्लेड के साथ यार कोलैबोरेशन करके मुझे नहीं लगता आपने कुछ उखाड़ा है, सच बताऊं तो मुझे अब भी लगता है कि सैमसंग S20 अल्ट्रा ज़्यादा पिक्चर अच्छी खींचता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है हैसल ब्लेड के साथ कोलैबोरेशन करने का मतलब ही क्या था अगर वो सॉफ्टवेयर में ही ट्यूनिंग करने वाले थे, तो मतलब हार्डवेयर में भी ट्यूनिंग करने देते तब असल में पता चलता कि हाँ भाई पूरा का पूरा कैमरा हैसल ब्लेड ने डिज़ाइन किया, तब हम हैसल ब्लेड को क्रिटिसाइज कर पाते। अभी तो आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि आप ही के और उसी की वजह से यार आप में इतने सारे जोक्स बने, क्रिटिसाइज हुए, आप कितने सुधर जाओ यार। मैं होप करता हूँ कि वन प्लस 10 में 10 11, वन प्लस 9 है ना अभी, हाँ वन प्लस 10 या 11 जो भी है तुम रिलीज करोगे उसमें कोलैबोरेशन अगर करना तो ढंग से करना। तो यार बात करें इस सैमसंग के न्यू प्रोसेसर के ऊपर, तो देखो टिपिकली इसमें दो चीज़ें अपग्रेड की गई है। देखो जो सीपीयू है वो संभालने वाला है सैमसंग, जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है यानी सीपीयू परफॉर्मेंस। और बात करूँ जीपीयू की, तो जीपीयू यार डिज़ाइन करने वाला है AMD। देखो यार ये होता है कोलैबोरेशन, तो हमें पता है यार देखो AMD PC के भी मामले में क्रेजी है। अभी भी उसके जो नए प्रोसेसर और नए ग्राफिक कार्ड्स सबको बीट आउट कर चुके हैं, एनवीडिया के नाक में दम हो चुका है, इंटेल को तो पछाड़ ही चुके हैं, बेचारा इंटेल सदमे में है यार, मतलब कोमा में था, मैंने कल ही देखा था यार कोमा में था यार वो। 2.5 grand lighter and then hey, what's going on? It's mine, daddy. Noah keeps taking away from me. Noah, give it back. No. Noah, give it back. No. I said give it back now. Noah! अपने एरिया में किंग है और वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में यार अगर वो अपने RDNA 2 टेक्नोलॉजी जो उनकी यार ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी है अगर वो यूज करे तो आई थिंक यार इट विल बी यार प्योरली रेवोल्यूशन और बहुत ही बड़ा अपग्रेड होने वाला है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर ये कोलैबोरेशन भी गंदा चला गया ना गलत हो जाएगा मेरे साथ भाई, बहुत बहुत गलत फील हो जाएगा यार। मैंने सोचा इतना सपोर्ट करूंगा और फिर गलत चला गया, तो ठीक है हम 50-50 मान के चलते हैं। फिर अब आते हैं जिसका तुम पूरा वेट कर रहे थे कि भाई क्या क्या स्कोर्स हैं, क्या क्या GPU स्कोर्स हैं। हम CPU के ऊपर आज बात नहीं करेंगे, आज हम GPU के असल में बात करेंगे क्योंकि गेमिंग चाहिए यार। तो यार हम बात करते हैं गेमिंग बेंचमार्क के ऊपर, तो देखो यार मैं तुम्हें एक रेफरेंस स्मार्टफोन लेकर बताऊंगा। यार हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग के S21 अल्ट्रा को, सैमसंग को सैमसंग से ही कंपेयर करते हैं, अच्छा लगेगा। तो सैमसंग S21 अल्ट्रा में यार दो प्रोसेसर है, तुम्हें पता ही है एक्जिनोस इंडिया और यूरोप के लिए, और इंडिया यूरोप के लिए होता है ना, अगर गलत बोल रहा हूँ तो भाई बहुत एम्बेरसमेंट होगा, नीचे दे दूंगा तुम्हें मैं टेक्स्ट वाइज, तो उसमें देख लेना। और एक होता है सैमसंग जो US और अनदर कंट्रीज में यूज हुआ जाता है। तो यार जो उसके टिपिकल स्कोर्स होते हैं यार वो होता है यार कुछ 5000 से लेके 6000 तक, याद रखना यार ये स्कोर 5000 to 6000 तक मैक्सिमम स्कोर जाता है फॉर स्नैपड्रैगन 888 या चाहे बात करो एक्सिनोस की। तो अब आऊं मैं आईफोन के ऊपर, क्योंकि देखो कंपैरिजन तो आईफोन के ऊपर ही होने वाला है, तो ठीक है आईफोन के ऊपर आए तो यार आईफोन के जो स्कोर्स होते हैं वो 7000 to 8000, मतलब 8000 मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बोला गया था कि 8000 टच नहीं करता है वो, मैं एज अ राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूँ, तो ठीक है 8000। और मैं बात करूँ AMD के ऊपर तो यार AMD क्लियरली जो स्कोर्स करता है, और मैं बात करूँ AMD के ऊपर तो AMD स्कोर करता है यार 8134, और मैं सारे स्कोर्स तुम्हें स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब देखो यार मेन टेंशन तो यही फील होता है यार मुझे कि इसके टेम्प्स क्या रहेंगे, क्योंकि देखो एक्सिनोस की हिस्ट्री यार उसके टेम्परेचर्स की वजह से गंदी हुई है, मजाक नहीं करूंगा। देखो परफॉर्मेंस तो
अच्छी खासी दे ही देता था वो, ऐसी बात नहीं है, इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा यार, बट बात करूं टेम्परेचर की तो वो नहीं कर पाता था, और उसके बाद थर्मल थ्रॉटलिंग करता था, और उसके बाद उसकी सीपीयू और जीपीयू फ्रीक्वेंसीज कम हो जाती थी। बहुत अच्छे। एक फन फैक्ट बताऊं तो सबसे ज्यादा जो जीपीयू स्कोर्स आए हैं आईफोन के मामले में, तो मैं पता है आईफोन में कंपैरेटिवली चार मॉडल्स होता है, आईफोन मिनी, आईफोन, आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स, तो तुम ही मुझे बताओ, मतलब एक गेस मारो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा स्कोर्स इन चारों मॉडल्स में किस में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और फटाफट इसका आंसर दो यार। तो टाइम्स अप। तो यार इसका आंसर है आईफोन 12 मिनी। सही सुना? अगर जिन बंदों को पता चल गया कि क्यों इसके स्कोर ज्यादा थे, तुम सबके लिए थम्स अप, और जिन्हें नहीं पता यार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तुम्हारी मदद हमारे मेरे व्यूअर्स भी कर देंगे, और मैं तो हूँ भाई, व्यूज नहीं आते बोल रहा हूँ, व्यूअर्स मदद करेंगे, सब्सक्राइब करो तुम। तो अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार सबसे ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर अभी के मामले में फिर तो यार ये सैमसंग इंटीग्रेटेड AMD CPU या मतलब CPU GPU होने वाले हैं, बट यार ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सैडली बोलूँगा, क्योंकि जो iPad Pro है Apple का, उसमें जो M1 चिप लगा है वो वॉपिंग 18,000 स्कोर करता है। सही सुना है, 18,000, मतलब 18,000 वो रेयर में राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्कोर्स बताऊँ तो वो होगा यार 17,801 स्कोर। तो भाई इतना बड़ा स्कोर भाई, M1 चिप है, और तुम क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, इंटेल के कितने सारे चिपसेट्स को बीट कर चुका है वो, तो तुम समझ ही सकते हो। बट यार बात करूँ M1 चिप के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, और मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा महंगा सैमसंग के फ़ोन्स होने वाले हैं जो AMD बेस्ड होने वाले हैं। तो और मुझे लगता है यार अगर ये कोलैबोरेशन बहुत अच्छा गया तो हमें कुछ बजट चिपसेट भी देखने के लिए मिलेगा, बाय AMD और सैमसंग के कोलैबोरेटेड चिपसेट्स मिलेंगे, वो भी बजट सेक्शंस में, जो बहुत ही सही होगा यार, क्योंकि तुम्हें ग्राफिकल परफॉर्मेंस, CPU परफॉर्मेंस बहुत क्रेजी मिल जाएगा, और प्लस इन लो प्राइस। दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो, वीडियो के लिए बस इतना ही, और बताओ यार कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। तो यार शादी में मिलोगे क्या अब? छोड़ो वीडियो को और कमेंट करो और लाइक करो यार, और देखो कमेंट और लाइक तो चलते रहेगा, सब्सक्राइब करो फिर लाइक करो, और कमेंट में लिख दो चल भाई। तो यार बाय बाय।